लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति अशोभनीय टिप्पणी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा सदस्यों ने उनसे माफ़ी की मांग की, इस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। चौधरी ने कहा कि अचानक वे गलती से एक लफ्ज निकल गया था, वे भाजपा से माफ़ी नहीं मांगेंगे, उन्हें फांसी दे दो। उधर सोनिया गांधी ने कहा कि चौधरी ने माफ़ी मांग ली है। लोकसभा में हंगामा मचने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी माफ़ी मांग चुके हैं। सोनिया गांधी ने मामले में विचार के लिए कांग्रेस संसदीय दल के दफ्तर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे व अधीर रंजन चौधरी को भी इसमें बुलाया गया है। मैम विल यू आस्क अधीर टू अपोलोजाइज? उधर अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने गलती से राष्ट्रपति को लेकर विवादित शब्द कह दिए थे। सत्ता पक्ष राई का पर्वत बना रहा है। माफी मांगने की सवाल ही नहीं, माफी किसकी है? चूक हो गए भाई। आज मोदी मीडिया वालों को खुशी करने का मेरा क्षमता नहीं है। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये न हो बताई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुझसे निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके, मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको इसको तवज्जो दिया करो, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन अ डिलीबरेट डिजाइन ट्राइंग टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो आप देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो दिखा बात कही थी वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। देखिए बीजेपी क्या करता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।